कैसे और कब? हम लोग मैंने 14 दिसंबर को जा रहे थे भाई के पास, हम बेटा मेरी माँ थी। गाड़ी में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से बिछड़ गई, हम लोग दूसरी गाड़ी में चढ़ गई, हल्का गाड़ी में चढ़ गई। बहुत खोजने के बाद भी नहीं मिला, तो सर जी के प्रयास से, यहाँ के आदमियों के प्रयास से हमको मंगलवार के दिन मालूम हुआ कि मेरी माँ यहाँ पर खड़ी है। तो सर जी के दिशा निर्देश के हिसाब से हम यहाँ पर आए हैं अपनी माँ को लेने के। कितने टाइम गायब रही हैं आपकी माँ? 14 दिसंबर से मेरी माँ। 14 दिसंबर से। अब कैसा लग रहा है आपकी माँ? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आभार व्यक्त नहीं कर सकता हूँ संस्था का, सर जी का, आप लोग का, यहाँ का स्टाफ का। कहाँ लेके जाएंगे वो अपनी माँ को? माँ को अपने साथ लेके जाएंगे, जहाँ हम रहते हैं कुरकुंडा में, वहाँ लेके जाएंगे। कितने भाई बहन हैं आप? हम 4 भाई बहन हैं। हम बड़े हैं भाई में, हमसे बड़ी है बहन जो कि बंगाल में रहती है, दूर हम लोग से हैं। क्या नाम है आपकी माँ का? माँ का, मेरा माँ का नाम है भागमणि। कितनी उम्र होगी लोग? 88 प्लस है। ये 85 वर्षीय एक बूढ़िया महिला करीब 7-8 महीने पहले थाना छर्रा के साइड में एक वृद्धाश्रम है वहाँ के रहने लगी थी। क्योंकि ये पूर्वांचली थी और उसकी भाषा भोजपुरी थी, तो लोकल लोगों को इसकी समझ में नहीं आती थी। थाने के ऊपर आकर अपने घर पहुँचाने की बात इसके द्वारा की जा रही थी, तो थाना जो हमारे इंस्पेक्टर, जो थाना इंस्पेक्टर है, उनके द्वारा उससे डेली इनसे कुछ ना कुछ बात करते रहते थे। और उसी बातचीत में जब एक बार उसके मुँह से बिहार का अपने गांव का नाम जो छपरा ज़िले की निकल के आया, जब पुलिस ने इसके बारे में वहां पर पूरी तरह से जानकारी कराई गई, क्योंकि छपरा ज़िला पहले छपरा एक था, वो छपरा और सिवान दो ज़िलों में डिवाइड हो चुका था, तो वहां के हर थाने से पर्सनली बात की गई और सभी थानों से पता कराया गया कि वो गाँव किस उसमें पड़ता है। जब उस थाना क्षेत्र का जो पता चला वो ये भगवान बाज़ार जनपद सिवान का ये गांव निकल के आया है। इसके बाद पुलिस ने वहां पर उस महिला का, वृद्ध महिला का फ़ोटो भेजकर उस गांव में पता लगाकर उसके बेटे को संपर्क किया गया और उसके बेटे आज यहां पर आए हैं, जो करीब 62 वर्ष के हैं, बच्चा सिंह, वो आए हैं और अपनी मां को पाकर बड़े ही खुश हुए हैं। पुलिस के द्वारा जो अपने रेगुलर क्राइम और कानून व्यवस्था से हटकर इस तरह का जो एक बहुत अच्छा कार्य थाना छर्रा की पुलिस द्वारा किया गया है। और आज एक वृद्ध माँ को जो करीब 85 वर्ष की थी और दिसंबर 2018 में वहाँ हजारीबाग स्टेशन से बिछड़ गई थी, उसको आज उसके परिवार से मिलवाया गया है।